हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलेक्सा रैंकिंग होती क्या है और इसका क्या यूज़ होता है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं या बिजनेसमैन हैं और अगर आपकी भी कोई वेबसाइट है तो आपको एलेक्सा रैंकिंग के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप एक परलवाइन यूज़र है तो भी आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि परलवाइन की एलेक्सा रैंकिंग क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से भी जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, एलेक्सा रैंकिंग दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनकी रैंकिंग को शो करता है। अगर आप एक ब्लॉगर है और आपकी भी वेबसाइट है तो एलेक्सा रैंक आपको बताता है कि आपके ब्लॉग की अन्य वेबसाइटों के मुकाबले पोजीशन क्या है, अन्य सभी साइटों की तुलना में आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग कैसा है। यह आपके वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी एक रिपोर्ट के रूप में आपको देता है। आज दुनिया में मिलियंस वेबसाइट मौजूद है और उनमें सबसे बेहतर कौन सी है, ये पॉपुलैरिटी के हिसाब से सबको एक रैंक देता है। मतलब जिसकी रैंक सबसे कम है और जो सबसे बेहतर है, जिस भी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी एलेक्सा रैंक 1 होगी। अब एलेक्सा किस बेस पर रैंकिंग्स देता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एलेक्सा के पास एक बहुत बड़ा ट्रैफिक डेटा पैनल होता है जिसमें पूरी दुनिया भर के लाखों लोग शामिल होते हैं। एलेक्सा हर दिन पिछले 3 महीनों में हर वेबसाइट पर औसत डेली विजिटर्स, पेज व्यूज, पेज इंगेजमेंट का अनुमान लगाता है। जिस भी वेबसाइट या ब्लॉग पर पिछले 3 महीनों में डेली विजिटर्स, मतलब जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हैं, पेज व्यूज, पेज इंगेजमेंट की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उस साइट को एलेक्सा रैंक में प्रथम स्थान दिया जाता है। मतलब जितना ज़्यादा किसी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होगा, जितने ज़्यादा लोग उसको सर्च करेंगे दोस्तों, उसको रैंकिंग में उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, आज इंटरनेट पर करीब 1 अरब से ज़्यादा वेबसाइट मौजूद है और इन 1 अरब वेबसाइटों में हमारी वेबसाइट, अगर हम किसी वेबसाइट पर वर्क करते हैं तो वो पूरी दुनिया में या फिर किसी विशेष देश में कौन से नंबर पर आती है, ये हर कोई जानना चाहता है। तो आप एलेक्सा रैंकिंग की मदद से ये आसानी से जान सकते हैं। एलेक्सा रैंकिंग किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोग आपकी साइट की पॉपुलैरिटी चेक करने के लिए आपकी एलेक्सा रैंक ही चेक करते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइज़र भी आपकी साइट पर एडवर्टाइज़ करने से पहले आपकी एलेक्सा रैंक चेक करते हैं और उसके आधार पर ही आपको विज्ञापन लगाने के पैसे देते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी वेबसाइट की एलेक्सा रैंक में सुधार करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, सिंपल सी भाषा में एलेक्सा रैंकिंग 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली होती है वेबसाइट ट्रैफिक, मतलब आपकी वेबसाइट पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, आपकी वेबसाइट पर कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट को कितने ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं यहाँ पर एलेक्सा रैंकिंग 3 महीनों के आधार पर दी जाती है। तो अगर उन 3 महीनों में आपकी वेबसाइट को ज़्यादा लोगों ने सर्च किया है, वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो उससे आपकी एलेक्सा रैंकिंग में आपको फ़ायदा होगा, आपकी एलेक्सा रैंकिंग अच्छी होगी आपकी वेबसाइट की। दूसरी चीज़ जिस पर डिपेंड करती है एलेक्सा रैंकिंग, वो होता है बाउंस रेट, मतलब कितने लोग आपकी साइट पर आए और वहाँ से जल्दी से छोड़कर आपकी साइट को चले गए। तो इस कारण से बाउंस रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो वेबसाइट होती है उसकी जो एलेक्सा रैंकिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। तीसरी चीज़ जिस पे एलेक्सा रैंकिंग डिपेंड करती है दोस्तों, वो होता है ड्वेल टाइम, मतलब आपकी वेबसाइट पर कितने समय तक लोग रुके, मतलब कितने समय तक आपकी वेबसाइट को लोगों ने टाइम दिया। तो जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर रुकेंगे, जितना समय वहाँ पर देंगे, तो उससे आपकी एलेक्सा रैंकिंग में आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, हमने एलेक्सा रैंकिंग के बारे में तो जान लिया और इसका यूज़ क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जो वेबसाइट्स हैं उनके बारे में, कि उनकी एलेक्सा रैंकिंग कितनी। दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा जहां से आप किसी भी वेबसाइट की एलेक्सा रैंकिंग को चेक कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। मैं यहां पर गूगल पे जा रहा हूं, आपको भी गूगल पर क्लिक करना है और जैसे ही आपको यहां जो सर्च बार है वहां पर टाइप करना है एलेक्सा रैंकिंग। और जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, उस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने इसे सर्च करा, पहले नंबर पर जो ऑप्शन है उसे ही मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, प्रोसेसिंग में कुछ वक्त लग रहा है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट को थोड़ा नीचे आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट का नाम डालेंगे, जैसे google.com या parlavine.com, तो वहाँ पर आप वेबसाइट का नाम डालिए, उसे रन एनालिसिस जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम डालता हूँ google.com और सर्च करता हूँ कि इस वेबसाइट की एलेक्सा पर रैंकिंग क्या है और एलेक्सा इसको किस नंबर पर शो कर रहा है। तो जैसे ही मैंने google.com को यहाँ पर रन एनालिसिस किया, सर्च किया, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे आप तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कुछ जो डेटा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये अलग अलग जो डेटा होता है। और आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे ट्रैफिक जो है कि लोगों ने क्या ज़्यादा सर्च किया है गूगल के बारे में, तो आप देखिए जीमेल को ज़्यादा सर्च किया है, गूगल ट्रांसलेट, गूगल मैप्स, ट्रांसलेट, गूगल ड्राइव, इनका आप देख सकते हैं, इनका जो ट्रैफिक है, परसेंटेज है, आपको साइट में शो हो रहा है।
तो इस प्रकार से जो पूरा डेटा होता है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके एलेक्सा जो है वो आपको शो करता है आपकी वेबसाइट की। आप देख सकते हैं ये साइट जो है वो नंबर वन पर है, मतलब एलेक्सा के रैंक में नंबर वन पर अभी गूगल है, और आप खुद जानते हैं गूगल को लोग कितना ज़्यादा सर्च करते हैं। अब कुछ और मैं आपको सर्च करके बताता हूँ, जैसे यूट्यूब के बारे में सर्च कर लेते हैं हम। YouTube.com जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला तो YouTube.com सर्च किया मैंने, तो आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट जो है आपकी अगर वेबसाइट है तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं जिनकी वेबसाइट होती है तो वो उनको भी सर्च करके देख सकते हैं कि उनकी एलेक्सा रैंकिंग क्या है। एलेक्सा रैंकिंग को आपको सुधारना चाहिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर आप एक ब्लॉगर हैं या अगर आप एक यूट्यूबर है आपकी भी वेबसाइट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा नीचे आते हुए हमने देखा है कि यहाँ पर जो सेकेंड रैंक है, मतलब देख सकते हैं जो रैंक नंबर टू है एलेक्सा की रैंकिंग में वो यूट्यूब की है, मतलब यूट्यूब पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है आप खुद इस बात को जानते हैं। अब और कुछ देखते हैं, जैसे हम पर्लवाइन से जुड़े हैं तो parlavine.com डाल के हम यहाँ देख लेते हैं कि पर्लवाइन की वेबसाइट जो है वो एलेक्सा में कितने नंबर पर आती है, एलेक्सा की रैंकिंग में पर्लवाइन किस नंबर पर है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, ये आज का है, इससे पहले भी लोगों ने कई बार बताया लेकिन अभी क्या रैंक है एलेक्सा पर पर्लवाइन की वो हम देख लेते हैं थोड़ा, लोगों ने क्या ज़्यादा सर्च किया है पर्लवाइन में। देखिए आप पर्लवाइन के बारे में ज़्यादा सर्च किया, पर्लवाइन इंटरनेशनल, पर्लवाइन लॉगिन किया है इतने लोगों ने, ट्रैफिक जो है वो बता रहा है यहाँ से, परसेंटेज जो है ट्रैफिक परसेंटेज आप देख सकते हैं साइड में। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारी रैंक है पर्लवाइन की रैंक है 81,888 दोस्तों, अच्छी खासी रैंक है, कोई बहुत बुरी रैंक नहीं है क्योंकि आप खुद जानते हैं यहाँ पर अरबों में वेबसाइट्स हैं, मिलियंस में वेबसाइट्स हैं, और उन मिलियंस से वेबसाइट्स में से भी अभी पर्लवाइन इस नंबर पर आ रहा है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ से एलेक्सा रैंकिंग से जुड़ी हर जानकारी समझ में आ गई होगी, और पर्लवाइन अभी एलेक्सा रैंक पर है और किस नंबर पर है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको किसी वेबसाइट के बारे में जानना है कि वो एलेक्सा में कौन से नंबर पर है उसकी रैंकिंग में, तो आप यहां से जान सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।